कई ऐसे मौके आए जब भारतीय नौसेना ने अलग अलग अभियानों को अंजाम देकर लोगों के प्राणों की रक्षा की, लोगों को सुरक्षित महसूस कराया। अब एक बार फिर भारतीय नौसेना रवाना हो रही है एक ऐसे ही मिशन पर जिसकी सफलता उसके इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगी। दरअसल इंडोनेशिया में प्रशिक्षण अभियान के दौरान बाली द्वीप के नजदीक से एक पनडुब्बी KRI नानगला 402 लापता हो गई, जिसकी खोज के लिए भारतीय नौसेना ने अपने द्वीप डीप सबन जेस रेस्क्यू व्हीकल को विशाखापट्टनम से रवाना कर दिया। भारतीय नौसेना की तरफ से कहा गया कि लापता पनडुब्बी को खोज निकालने में इंडोनेशियाई नौसेना की मदद के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिससे वह समुद्र में गायब हुई अपनी पनडुब्बी को खोजकर उसके सवार सैनिकों को सुरक्षित बचा सके। इस काम में भारतीय नौसेना के अलावा सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी शामिल होंगी। लापता हुई पनडुब्बी में कुल 53 लोग सवार थे जो प्रशिक्षण अभियान में हिस्सा ले रहे थे। बताया जा रहा है कि पनडुब्बी बाली के उत्तर में करीब 95 किलोमीटर दूर गायब हुई है, जो DSRV भारत ने इंडोनेशिया की मदद के लिए भेजा है उसके जरिए राहत और बचाव कार्य में जुटे लोग मुसीबत में फंसी पनडुब्बी की लाइव वीडियोस तक देख सकते हैं। इससे उन्हें वास्तविक स्थिति की समीक्षा करने और बचाव की योजना बनाने में सहायता मिलती है। ये वेसल एक बार में सैकड़ों मीटर अंदर सबमरीन में फंसे 14 लोगों को बचाने में सक्षम है। DSRV समुद्र में अधिकतम 800 मीटर की गहराई तक ऑपरेट कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है। अलग अलग देशों की DSRV की तकनीक भी अलग अलग होती है। रूस और अमेरिका के पास मौजूद DSRV की तकनीक सबसे उन्नत मानी जाती है। इसमें साइड स्कैन सोनार लगे होते हैं जो पनडुब्बी के दोनों तरफ के एरिया को भी स्कैन कर सकते हैं। गौरतलब है कि इंडोनेशिया की जो पनडुब्बी लापता हुई है वो जर्मनी में बनी है और इंडोनेशिया की नौसेना में ये साल 1980 से कार्यरत है। इंडोनेशिया की नौसेना के बेड़े में अभी तक कुल 5 पनडुब्बियां मौजूद है और उसकी योजना 2024 तक इसकी संख्या बढ़ाकर 8 करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।